टाइम में। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ में आपकी जो संक्षेप में नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो अपडेट देता रहता हूं, जिसके माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब की डेली जानकारियां मिलती रहती है। तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख, यहाँ पे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उत्तराखंड में समूह का यानी ग्रुप सी के एक्सरे टेक्नीशियन में 70 पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से आपके चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आप कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन 14 मई, ऑनलाइन आवेदन करने 16 मई और लास्ट डेट है 14 जून 2021 है, ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने की आपको नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड 14 जून 2021 से रात्रि 12 बजे से पहले, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएंगी, देखिए तो वैकेंसियाँ 70, यहाँ पे आपकी सैलरी 44,000 से 1,42,000 तक, ठीक है। टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है अनुसूचित जाति के 23, अनुसूचित जनजाति के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 10 और 7 है आपकी आर्थिक रूप से कमजोर, और आपकी यूआर कैटेगरी में 25, टोटल 70 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे आपको क्षेत्रीय आरक्षण देखने को मिल जाएगा, किस तरह के डिवाइड कर रखा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सैलरी यहाँ पे दे सकते हैं 44 से 1,42,000 तक, यहाँ पे आपको दे सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन में सीधे पदों पर भर्ती होगी। यहाँ पे दे सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड के विज्ञापन इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी उत्तराखंड मेडिकल स्टेट मेडिकल फैकल्टी के उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग पंजीकरण की योग्य एक्सरे टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा अथवा डिग्री या सरकार द्वारा किसी भी समकक्ष डिप्लोमा अथवा डिग्री आपका डिग्री हो, या अभ्यर्थी उत्तराखंड के स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत प्रमाण पत्र हो। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे आपका न्यूनतम आपका प्रदेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की आपकी अवधि हो, या आपका एनसीसी का यहाँ पे बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसी है उत्तराखंड मेडिकल और फैकल्टी अथवा पैरामेडिकल काउंसिल में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण आपका पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयु 18 से 42 दे रहेगी 1 जुलाई 2020 के अनुसार। तो ठीक है, ये संक्षेप में मैंने डिटेल बता दी है, इसके अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका पूरा वीडियो बना दूंगा पूरी नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे देखिए एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पे आप इस पर जाएंगे, यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है, जनरेट ओटीपी करना है, ठीक है। सबसे पहले डिटेल हमें ये काम कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी में, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को ओटीपी मिल चुका है जो कि मेरी ईमेल आईडी पे आ चुका है, तो मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी करके डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दोनों ओटीपी डाल दिए, सबमिट पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे प्रोसीजर अब हो चुका है। यहाँ पे प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग इमेज और फोटोग्राफ का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पासवर्ड है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका लॉग इन आईडी और पासवर्ड है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है फादर नेम मदर नेम, यहाँ पे आपको दे सकते हैं मैरिड है अनमैरिड है इसकी जानकारी देनी है, चूज वन करना है मेल फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता बताना है, यहाँ पे आपको देखिए लोकलिटी आपका लैंडमार्क बताना है, ठीक है। लैंडमार्क में आपको स्कूल आपका जो भी फेमस चीज हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो लैंडमार्क हो जिससे आपका घर आपको पहचाना जा सके। स्टेट आप स्टेट में आपको बताना है जो मेरा उत्तर यहाँ पे मैं उत्तराखंड डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, अल्मोड़ा में डाल देता हूँ। यहाँ पे सिटी का नाम, ठीक है, पिन कोड यहाँ पे जानकारी देनी है, दोनों सेम है, इस पर आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप बताना है कि आपका उत्तराखंड में स्थायी निवास पत्र है, यस या नो करना है। क्या आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में समकक्ष स्तर की शिक्षा आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित कि यहाँ पे आपने शिक्षा प्राप्त की है उत्तराखंड में या नहीं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, यस या नो करना है। अगर की है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी होगी। क्या
आना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक, जो भी है यहाँ पे आपको बताना है, अल्मोड़ा, आपका नेम ऑफ स्कूल, अगर इंटरमीडिएट हाई स्कूल की, यह अलग अलग बतानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई चुनने को नहीं आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ बताना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बतानी है, ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो सर मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एज यहाँ पे आ जाएगी, नेशनलिटी इंडियन, यस, यहाँ पे आपको क्या एम्प्लॉय है, यस या नो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बताने सर्विस कैसे, रेगुलर कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बताने, सेंट्रल गवर्नमेंट अदर है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, आपका आपका क्या आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया, यस, आपने कब किस तारीख को किया वो बताना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको बताना है पहचान पत्र के लिए आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे आइडेंटिटी भी आपको नंबर देना है उसका, यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है उसकी जानकारी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देगी एनसीसी का आपका बीएससी का सर्टिफिकेट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मांगा गया यस या नो करना है, ठीक है। यहाँ पे टेरिटरी आर्मी आप दो विशेष का है कि नहीं है, तो ये भी आपको करना है, क्योंकि आपके खुला आपराधिक मामला है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसे ही आप नीचे करेंगे तब जाके ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, इसके बाद ही आपको दिखाई देगा। अब तरह यहाँ पे आपको बताना है किस टाइप का है, सब कैटेगरी में, ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको आपको इस तरीके से कोई भी जानकारी देनी है, ठीक है, तो यहाँ पे देने का डेट ऑफ बर्थ है वो बताना है, ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे आपका यहाँ पे जो कैटेगरी है वो बताना है, संगठन किस टाइप का है, ये सब बताने के बाद यहाँ पे आपको देखिए आधार के आइडेंटिफिकेशन नंबर और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वो दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए आपका प्रोसेस स्टेप टू आ जाए, क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगी, यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं कोई गलती है तो उसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं स्टेप टू पे आ चुका हूँ, यहाँ पे हाई स्कूल का, विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, मार्क कितने थे, ग्रेड थे, यहाँ पे आपको बताने कब पास किया था, ऑप्टेन मार्क, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे ये कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए तरीके से मार्क, ऑप्टेन, टोटल, यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है तो वो आएगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन कब हुआ तो उसकी तारीख बतानी है, इसी तरीके सीनियर आपका सीनियर सेकेंडरी का है आपका बोर्ड, इसी तरह पूरी जानकारी देनी है, डिग्री आपको बतानी है एक्सरे में, तो यहाँ पे उसकी पूरी जानकारी देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन नेम ऑफ काउंसलिंग का नाम, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संख्या, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वैलिडिटी, वैधता के बारे में बताना है, ये सब जानकारी देने का, प्रोसीड टू स्टेप थ्री पे हम जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यह भी दे सकते हैं, मैंने दूसरी डिटेल भी अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे बात करेंगे अपलोड इमेज के बारे में, यहाँ पे अपलोड इमेज आपको करनी है, सैंपल में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर और अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, इसके बाद आपका मेक पेमेंट होगा, ठीक है, इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट और यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, अपलोड वैलिड यू काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आप करने के बाद पीडीएफ में अपलोड करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मेक पेमेंट करना है, फिर आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपकी उत्तराखंड की वैकेंसी के बारे में, जो कि एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसके बारे में जानकारी दी। अगर इसकी नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी की आप लोग मुझे बोलेंगे कमेंट में, तो मैं उसकी पूरी जानकारी दे दूँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो देखें।